हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं गणित का सेट से ही बताने जा रहे हैं फुल सोल्यूशन के साथ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। इसमें निर्देश दिए हुए हैं तो आप निर्देशों को पढ़ लीजिए। इसमें क्या क्या निर्देश दिए हुए हैं, इसमें आपको समय 3 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक होगा इसमें 100 नंबर का। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 का 1/6 है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है शंकु का आयतन होगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 1/3 πr² h। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0। फोर्थ नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है बहुपद 4x² + 5x³ + 2x + 1 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर पॉइंट। तीसरा नंबर इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा दिया हुआ है एक त्रिभुज के 2 कोण 30° और 60° है, इसका तीसरा कोण होगा, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 90°। फिर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर। हेलो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराए मत, सबका सॉल्यूशन डाउटनेट। दोस्तों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन की फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी कोर्स का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी सर, GB सर, NG सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर, यानी पूरी पढ़ाई अब डाउटनेट ऐप पर है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दिया हुआ है 1/4 + 3/4 = होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बिंदु 3.4 में भुज का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/100 का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.01। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका आंसर हो जाएगा 2πr (h+r). अगला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है निम्नलिखित में असत्य असत्य बताइए। पहला हो जाएगा सत्य, दूसरा हो जाएगा सत्य, तीसरा हो जाएगा आपका असत्य, चौथा हो जाएगा सत्य और पांचवा हो जाएगा असत्य। इस प्रकार से दोस्तों जल्दी से इसका फुल सोल्यूशन मैंने बताने जा रही हूँ, तो पूरा देखिएगा वीडियो। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है प्रत्येक का एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है आपको, तो देख लीजिए इसका, इसका आंसर हो जाएगा s = a + b + c/2। 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका तीसरा हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पहले का हो जाएगा ये वाला, दूसरे का हो जाएगा ये वाला, तीसरे का हो जाएगा ये वाला, चौथे का हो जाएगा ये वाला, पांचवे का हो जाएगा ये वाला। इस प्रकार से दोस्तों इसको फिल कर लीजिए। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लिंक को डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए किस प्रकार से आपको PDF डाउनलोड करनी है, उसका लिंक मैंने दे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया हुआ है दोस्तों, इसको जल्दी आप कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 7 का फुल सोल्यूशन दिया हुआ है, जल्दी से उसको अपनी कॉपी में कर लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दिया हुआ है, 9 का उत्तर दिया हुआ है, इसका जल्दी से कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दिया हुआ है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का 8वें का आंसर दिया है, वो जल्दी से इसको अपनी कॉपी में करते जाइए या फिर आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर दिया हुआ है, 13 का उत्तर दिया हुआ, जल्दी से इसको अपनी अपनी कॉपी में करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 का 8वें वाले का आंसर दिया हुआ है, कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। फिर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दिया हुआ, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में करते जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दिया हुआ है, जल्दी से कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में। फिर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दिया हुआ है, फिर दूसरा नंबर पॉइंट दिया, उसे देख लीजिए कि यदि सर्वाधिक वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं, इसका आंसर दिया हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 का 8वें का आंसर दिया हुआ है, इस प्रकार से आप कर लीजिए इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दिया हुआ है इसमें, फिर क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 21 का दिया हुआ है आंसर,
क्वेश्चन नंबर 22 में का आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 23 में का आठवें का आंसर दिया हुआ है, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में लिखते जाइए। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में का आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25वें का आंसर दिया हुआ है, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 26वें का आंसर दिया हुआ है। इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।